के मेले में आपने अक्सर कई प्रकार के साधुओं को स्नान करते देखा होगा। ऐसे साधु जो केवल कुंभ के समय में ही नजर आते हैं, जिनमें से एक है महिला नागा साधु। कौन होती है ये महिला नागा साधु? क्या ये भी नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? इस बात की जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया काफी रहस्यमय होती है। महिला नागा साधु हमेशा दुनिया से दूर एकांत में जीवन बिताती हैं। वे कुंभ जैसे खास मौकों पर ही पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दुनिया के सामने आती हैं। उन्हें भी पुरुष नागा साधुओं की तरह सम्मान मिलता है और माता कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन पुरुषों की तरह महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती है। वे गेहूं रंग का एक वस्त्र धारण करती है जो सिला हुआ नहीं होता और इसे गति कहा जाता है। महिला नागा साधुओं को एक ही वस्त्र पहनने की अनुमति होती है, साथ ही वे तिलक लगाकर जटाएं धारण करती हैं। किसी महिला को नागा साधु बनने से पहले काफी कठिन तप और साधना करनी पड़ती है। वे गुफा, जंगल, पहाड़ आदि में रहकर साधना करती हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। महिला नागा साधु बनने से पहले परीक्षा के तौर पर 6 से 12 साल तक सख्त ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। इसके बाद ही गुरु उसे नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। महिला नागा साधुओं को परीक्षा लेने से पहले अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, दुनिया से दूर रहकर तप करना पड़ता है। उन्हें हर पहलू पर आंका जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे आगे इस कठिन रास्ते पर चल पाएंगी भी या नहीं। महिला नागा साधु बनने से पहले महिला सन्यासिनी को सारे सांसारिक बंधन तोड़ने पड़ते हैं। इसके लिए उसे जीते जी अपना पिंड दान करना पड़ता है, यानी कि उसने जो जीवन बिताया है वो उसे खत्म करके नए जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। हिमालय के गोद में भस्म लपेट कर तपस्या करने वाले और माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु होते हैं? महिलाएं नागा साधु कौन होती हैं और क्या होती भी है कि नहीं? ये बात जानने की उत्सुकता हम सबको है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक महिला नागा साधु बनती है और आखिर कौन होती है महिला नागा साधु। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न आंकड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धूनी की राख लपेट कर रखते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। अगर बात करें महिला नागा साधु की तो महिलाएं कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनती हैं। इसके लिए उन्हें सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी अपना पिंड दान करना पड़ता है, सिर मुंडवाना पड़ता है और कुंभ में स्नान करने के बाद आखिरकार महिला नागा साधु बनती है। ये भगवान शिव और अग्नि की भक्ति करती हैं और चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए ये अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलती। महिलाएं नागा साधु जटाएं रखती हैं, माथे पर तिलक और शरीर पर राख लपेटती हैं, यानी कि बाकी नागा साधुओं की तरह रहती हैं, लेकिन बिना कपड़ों के रहने के बजाय गेहूं रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं। इस कपड़े को गति कहा जाता है। महिलाएं नागा साधु का ये वस्त्र बिना सिला हुआ होता है जिससे वे तन को ढकती हैं। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। अगर कोई महिला नागा साधु बनने की इच्छा व्यक्त करती है तो महिला को नागा साधु बनने के लिए काफी कठिन पड़ाव से निकलना पड़ता है। उसे 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा करने में सफल हो जाती है तभी उसको गुरुओं द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है, साथ ही उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी निकाली जाती है। उनको गुरुओं को विश्वास दिलाना होता है कि वे इसके योग्य हैं। महिला नागा साधु के पद में शामिल होने की प्रक्रिया में कम से कम 6 से 4 साल का वक्त लगता है। महिलाएं नागा साधु बनने के बाद साधु और साध्वियां उनको माता कहकर पुकारती हैं। साधु संतों की दुनिया में नागा एक पदवी होती है। ऐसे उनके कई संप्रदाय होते हैं, जैसे शिव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। पुरुषों नागा साधुओं को हर जगह नग्न रहने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती है। महिला नागा साधुओं को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि माई, नागिन और अवधुतानी। वहीं दूसरी साध्वियाएं उनको माता कहकर बुलाती हैं।
महिला नागा साधु सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। साल 2023 में पहली बार प्रयागराज में माई अखाड़े को शामिल किया गया था। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं, जो अलग अलग नाम और पदवियों से सम्मानित होती हैं। लेकिन माई या नागिन अखाड़े को नागा साधुओं को किसी भी पद के लिए नहीं चुना जाता।